नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। उरई के जालौन के कैथरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुख्यमंत्री जी के साथ शिष्टाचार अभिवादन के साथ विमर्श भी हुआ है। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की सौगात हम दिए दे रहे हैं, 4,500 करोड़ की परियोजना है। पचनद वोध परियोजना 3,000 करोड़ की है, उसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी किसी भी अन्य कार्यक्रम में करेंगे। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती है बुंदेलखंड की जनता। उन्होंने एक्सप्रेस वे के उद्घाटन अवसर पर सिंचाई संसाधनों की दृष्टि से बड़ी सौगात दी है। सिंचाई संसाधनों में वृद्धि होगी तो किसान की समृद्ध व खुशहाल होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुंदेलखंड में झांसी कालेजर रामपुरा कालपी की रानी झांसी मंत्रणा कक्ष को पर्यटन के रूप में सर्किट बनाकर उसे विकसित करके रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही। मोदी ने बात बात पे प्रदेश में हुए विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी जी की तारीफ की, जबकि पिछली सरकारों की लूट खसोट कर अपने व्यंग बाढ़ भी चलाए। युवाओं का आह्वान किया, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर गाँव गाँव जाकर कुछ न कुछ कार्यक्रम कर सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताए। मंच पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दिलीप दुबे, प्रदेश के राज्य मंत्री मुन्नूलाल कोरी, आरपी निरंजन, रवि शर्मा, पटेल वादा समेत प्रमुख भाजपा नेता मौजूद। यूपी के लोगों को बुंदेलखंड के सभी बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड की गौरवशाली परंपरा को समर्पित है, जिस धरती ने अनगिनत सुली पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। भाई और बहनों, मैं दशकों से उत्तर प्रदेश आता जाता रहा, यूपी के आशीर्वाद से पिछले 8 साल से देश का प्रधान सेवक के रूप में कार्य करने का आप सबने जिम्मा दिया है। लेकिन मैंने हमेशा देखा था, अगर उत्तर प्रदेश में